Now, we will discuss about the uses of non-metals. अब non-metals में आप ध्यान से समझेंगे. सबसे पहला non-metal है nitrogen. आप जानते हैं nitrogen हमारी atmosphere में free state में रहता है और बहुत quantity में 78% nitrogen present है हमारी air में. लेकिन हम उसे use नहीं कर पाते. हम उसे use कब करते हैं? जब हम इस nitrogen को एब्जॉर्ब करके या तो सॉइल तक पहुंचा दें तब वो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनाता है या एक और जगह हम उसे यूज करते हैं. एक्चुअली नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस को खत्म करने वाला या ऑक्सीजन की रिएक्शन को डिक्रीज करने वाला. इट मीन्स जहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हमें कम करना है या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हटाना है तब हम नाइट्रोजन यूज करते हैं. आप लोग इतने पैक्ड फूड खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, इतनी सारी चीजें आप मार्केट से लाते हैं, आप देखते होंगे जितना मटेरियल उसके अंदर नहीं है लेकिन काफी वो जो पैकेट है वो काफी फ्लफी होता है, भरा हुआ होता है, फूला हुआ होता है. क्या है उसके अंदर? उसके अंदर है नाइट्रोजन गैस. क्यों फिल करी हमने? क्योंकि हम जब फूड मटेरियल उसके अंदर रखते हैं तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है. और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक बहुत अच्छी मीडियम प्रोवाइड करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए. हमें उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होने देना है क्योंकि हमें इस फूड स्टफ को एक लॉन्गर टाइम तक पैक करके रखना है. तब हम क्या करें ऐसा कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड को स्पॉइल ना करें? तो हम उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और तब अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी भी तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ एंटीऑक्सीडेंट गैस. नंबर टू, कार्बन. कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि यूज किया जाता है. आप लोगों के घर में प्योरीफायर लगे होंगे, वाटर प्योरीफायर. ये जो वाटर प्योरीफायर होते हैं इनके अंदर जो रॉड लगी होती है जो हम जिसके थ्रू वाटर को पास करते हैं और हमारा वाटर प्योरीफाई होकर आता है, छन कर आता है, ये जो हमारे रॉड होती है ये होती है कार्बन की. तीसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है दैट इज ऑक्सीजन. जैसा कि आप सब जानते हैं ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. और अगर हम बात करें सल्फर, आप लोगों ने देखा होगा आप लोग दिवाली पर क्रैकर्स चलाते हैं, जितने भी एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं उन सब के अंदर हम सल्फर यूज करते हैं. आप लोगों को कभी कभी चोट लग जाती होगी और आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तब डॉक्टर आपको एक आयोडीन टिंचर लगाता है जिससे आपका वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. एक डार्क ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है. क्या है ये? ये है आयोडीन टिंचर. ये भी एक नॉन मेटल है जिसकी वजह से हमारी वूंड्स बहुत जल्दी ठीक हो जाती है. नेक्स्ट इज क्लोरीन. आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स यूज करते हैं. ये क्लोरीन हमारे वाटर को जितने भी उसके अंदर इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्लीन कर देती, क्लीन सबको किल करके हमारे वाटर को क्लीन कर देती है. ठीक है. हाइड्रोजन ये भी एक नॉन मेटल है. बहुत सारे नॉन मेटल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इवन इतने के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हाइड्रोजन एक इजीली अवेलेबल होने वाला नॉन मेटल है और एक बहुत अच्छा फ्यूल है. अगर हम इसे यूज करें तो ये बहुत अच्छी तरह यूज किया जा सकता है. सो दिस कंक्लूड्स आर लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कुछ मेटल्स और भी हैं जैसे मेटल्स की हम बात करें मैग्नीशियम. आप लोगों ने सुना होगा मैंने मैग्नीशियम पढ़ाया था आपको. आप जानते हैं जो क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फूड बनता है वो क्लोरोफिल एक्चुअली मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है. अगर मैग्नीशियम मेटल ना हो तो क्लोरोफिल नहीं बन सकता. इट मीन्स एग्जिस्ट करता है मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का होना और फूड का बनना. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ना आयरन होता है. हमारा
बॉडी में जो ब्लड होता है, हम कहते हैं अगर ब्लड कम हो गया तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, या हमारी बॉडी में अगर हमारी बोन्स वीक हो गई तो कैल्शियम की कमी हो गई, ये सब हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड मेटल्स हैं। ये सब मेटल्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने कभी ऐड देखा होगा, च्यवनप्राश आता है, च्यवनप्राश के अंदर उसके वो कहते हैं ऐड करने वाले कि इसके अंदर सोना और चांदी है। तो क्या वास्तव में उसके अंदर सोना और चांदी होता है? यस, सोना और चांदी दोनों ही मेटल्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है, जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में स्वीट्स मिलती है, मिठाइयाँ मिलती है, उनके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर लगी होती है। डू यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज द सिल्वर फॉइल। क्यों लगाते हैं? हम सिर्फ स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए नहीं लगाते, वो हमें वास्तव में स्ट्रेंथ भी देती है। बहुत कम क्वांटिटी में मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर अगर रिक्वायर्ड अगर पहुंचे तो ये हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। सो वी कंक्लूड द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हियर विद द यूजेस।